इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्रत्युमन हत्याकांड में अशोक नाम के जिस कंडक्टर को हरियाणा की पुलिस ने गिरफ्तार किया था वो कल जमानत पर रिहा हुआ है। आपके चैनल एबीपी न्यूज से बातचीत में अशोक ने कहा है कि हरियाणा पुलिस ने उसकी पिटाई की और जबरन उससे गुनाह कबूल करवाया। अशोक ये कह रहा है कि अब वो सीबीआई की जांच में सहयोग करेगा। तो हरियाणा पुलिस पर आरोपी कंडक्टर अशोक का ये बड़ा आरोप। प्रद्युम्न हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए आरोपी बस कंडक्टर अशोक कुमार को फिलहाल जमानत मिल गई है। मंगलवार की शाम देर शाम घर लौट कर आए हैं। फिलहाल हम उनके घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर उनकी तबीयत फिलहाल अस्वस्थ दिखाई दे रही है। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो इनसे सवाल किए गए थे उनको लेकर इनका क्या कहना है। अशोक, आपकी तबीयत फिलहाल अस्वस्थ है, क्या आप पर किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती थी या आप किसी और कारण से बीमार हैं? पुलिस के कारण, पुलिस ने मारा ऊपर से नीचे तक, हाथ पैर में, छातियों में, कमर में डंडा, नशा के इंजेक्शन लगाए, करंट भी लगाए था। करंट भी लगाया था। ये जेल में हुआ या जेल जाने से पहले? जेल जाने से पहले। जेल में नहीं हुआ कुछ भी। एक सवाल है अशोक, गुनाह आपने हत्या के कुछ घंटों के भीतर ही कबूल कर लिया था, क्यों? मैंने नहीं किया, उन्होंने, उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। किनकी हाँ में हाँ? हरियाणा पुलिस के या और किसी के? पुलिस के। क्या आप पर स्कूल, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल ने भी किसी प्रकार का दबाव बनाया था या इस गुनाह को लेकर के, कबूल करने को लेकर के किसी प्रकार की बातचीत हुई थी? उल्टी आ गई। फिलहाल अशोक जो है वो अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। अशोक, एक और सवाल है, क्या आपको सीबीआई की जांच पर भरोसा है? सीबीआई की जांच पर और अदालत और मीडिया पर, भगवान पर मुझे पूरा भरोसा था। मैं आज अपने बच्चों के पास आऊँ, मुझे ना मिले। सीबीआई की जांच में आप क्या सहायता करेंगे सीबीआई की? अच्छा, क्या आप सहायता करेंगे सीबीआई की जांच में, जो पूरी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी उस पर आप कोई किसी प्रकार की सहायता करेंगे? हाँ। आरोपी को पकड़वाने में? हाँ। पूरा नाम मिले, सीबीआई को बता। फिलहाल अशोक जो है वो ज्यादा बातचीत करने में फिलहाल असमर्थ महसूस कर रहे हैं। जाहिर तौर पर वो अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं उनके चेहरे फिलहाल। लेकिन आपको बता दें, सीबीआई ने अब तक क्लीन चिट नहीं दी है और फिलहाल जांच की प्रक्रिया उन पर जारी रहेगी। लेकिन जो परिवार है उनके चेहरे पर खुशी फिलहाल साफ तौर पर झलक रही है। कैमरा पर्सन आदर्श नायर के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, गुरुग्राम। तो आपको बता दें, सीबीआई ने जब से इस पूरे मामले में उसी स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं के छात्र को गिरफ्तार किया है, तब से ही हरियाणा पुलिस की जांच सवालों के घेरे में है। और अब आपने देखा किस तरह से जो आरोपी कंडक्टर इस मामले में था अशोक, उसने बड़ा आरोप लगाया हरियाणा पुलिस पर कि उसे मारा पीटा गया, बुरी तरह से करंट लगाया गया उसे और गुनाह कबूल करने के लिए उसे कहा गया, बाध्य किया गया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।